गाइस आज है डे टू और हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल लिए हैं। लगभग 9 बज गए, पूरे 9 बज गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। आज सोच रहे हैं रॉस आइलैंड जाते हैं, तो पहले हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो राजीव गांधी वहाँ पे है, और अगर हमें आज मिल जाती है तो ठीक है फेरी, वरना फिर यहीं पर ही आज घूमेंगे। गाइस यहाँ से हम निकल रहे थे, तो ये जापानी शेल्टर्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, जो जापानी लोग पहले यहाँ पे जो फौजी थे वो लोग आए थे ना, तो ऐसा शायद मैप में बता रहा है। तो ये जापानी शेल्टर्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, अभी तो इसमें इंडियंस ही जा रहे हैं और बढ़िया कूड़ा फैला रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये पूरे जापानी शेल्टर्स बने हुए हैं, जब जापानीज आर्मी यहाँ पे रहती थी, आई थी पहले, तो उन्होंने शेल्टर्स बनाए हुए थे यहीं से। वो लोग शायद इधर टापू आपू की रक्षा करते होंगे। इधर मेरे पीछे इतना अच्छा समंदर है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। मौसम अभी थोड़ा तगड़ा हो रखा है, धूप थोड़ी कम हो जाती तो बड़ा मज़ा आता। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं शेल्टर्स ही शेल्टर्स बने हुए हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ जापानीज शेल्टर्स के साथ। अभी हमने बोट का यहाँ से बुकिंग लिया डायरेक्ट, और यहाँ बहुत कुछ यहीं पर ऑफर कर देते हैं कि यहाँ से आप बुक करके वहाँ पे जाइए। चलिए यहाँ से देखते हैं। अभी मैंने कहा कुछ खास कुछ लिया नहीं, मैंने कहा अभी ठीक है देखता हूँ। निकल लिए गाइस हम लोग से, हमारी बोट भी आ गई है। क्या नाम है, सी बीचर या मरीना बीचर? सी बीचर करके कुछ नाम है, बढ़िया ना। यहाँ तो हमने कोई एक्टिविटी ली नहीं थी क्योंकि हम हैवलॉक में करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। पर पहले हमने कहा थोड़ा हो जाए, तो यहाँ पे हम आए हैं अभी। एक काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, तो यहीं पर हम बैठे हैं। अभी हमने अपना थोड़ा बहुत सामान मंगाया, खा पी के फिर थोड़ा सा घूमेंगे। यहाँ पे लाइट हाउस का एक पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे। अभी कैमरा तो लाया ही, तो चल के वहाँ पर फोटो खींचेंगे। तो गाइज अभी हम नॉर्थ बे आइलैंड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम मार रहे हैं चिल। अभी हमने खाना खाया, अब फिर उसके बाद हमने चाय भी पी ली, मतलब मैंने चाय पी ली। अब यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये जो 20 का नोट है ना, आप देख रहे हैं इस पे ये जो बना हुआ है, ये यहीं पे मेरे को बताया गया कि ये जो दिखा हुआ है, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको 20 के नोट पे, ये ही नॉर्थ बे आइलैंड है। ये इस पे नॉर्थ बे आइलैंड छपा हुआ है। वाह, तो अभी हम 20 रुपए वाली इस जगह पे आ चुके हैं, तो नाइस ना, 20 रुपए वाली जगह है ये।
तो पीछे वहाँ वो पोर्ट बिलियर है और ये नॉर्थ वे है। अभी हम इधर जा रहे हैं लाइट हाउस की साइड, इधर है पर लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस पे अभी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी यहाँ के नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का बीच है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़ हैं। मतलब दूर से आप ये आइलैंड देखोगे ना तो नॉर्थ बे पे आपको अलग से ही दिख रहा होगा हल्का हरा, क्योंकि इसके पीछे जो पहाड़ है वो बहुत डार्क हरा है, पर नॉर्थ बे पे नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको हल्का हरा कलर दिखता है नारियल के पेड़ों की वजह से, और दूर से ही वो नारियल के पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, तो यहाँ पे शायद ज़्यादा ही नारियल लगा रखा है। विजिटिंग आवर्स 2 बजे से 4 बजे तक। और अभी हम जा रहे हैं गाइस ऊपर, ये काफी अच्छी एक चढ़ाई जैसा है, तो ट्रैक टाइप का आप समझ सकते हैं छोटा सा। ये गाइस ये ऊपर ऐसा लग रहा है स्वर्ग को जा रही हैं ये सीढ़ियाँ, ये जो भी रास्ता है। गाइस हम आ चुके हैं लाइट हाउस, अभी चलते हैं अंदर। गाइस इतनी गर्मी है, ओ माय गॉड, और ऊपर से हम ये 6-7 मंजिल ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, पर ऊपर से जाके नज़ारा तो देखना ही है, बहुत गर्मी है आप देख सकते हैं। गाइस अभी लाइट हाउस के ऊपर चढ़ चुका हूँ और चढ़ते ही यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई साहब, आप देख सकते हैं, ये मेरी परछाई वहाँ पे नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही है, नहीं नहीं हिल रही है, हल्की सी हिल रही है, ये सी उससे ज़्यादा मेरा हाथ हिल रहा है, कोई बात नहीं। पर यार यहाँ से जो दूर दूर का समंदर, अनंत समंदर जो दिख रहा है ना, और इस साइड आप देखिए नॉर्थ वे आइलैंड, देखिए मैं ये बात कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं नारियल ही नारियल है, तो काफ़ी एक हल्का हरा कलर है, और पीछे देखिए डार्क हरा कलर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मैं आपको पूरा गोल गोल घुमा के इसका एक एरियल व्यू देता हूँ पूरा बढ़िया सा, इसके ऊपर भी शायद हम जा सकते हैं, अभी मैं जाऊँगा ऊपर, वैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है दूर दूर के लोगों को देखने के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया, तो मस्ट आना यहाँ पर, ठीक है, एक्टिविटीज़ ही करके मत भग जाना नॉर्थ वे से, यहाँ लाइट हाउस पे आना ज़रूरी है, बहुत अच्छा आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा ही ट्रैक करना पड़ता है, मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे आपको पैदल और आप आ जाओगे, ये लगभग वही 260-270 मीटर ही है, बहुत अच्छी जगह है यार, मस्त एकदम ही मज़ा आ जाएगा, और यहाँ फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, तो अगर आप लोगों पर कैमरा वगैरह है तो आप लेके आना, क्योंकि यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो समंदर, क्या नज़ारा है समंदर का, यहाँ आप आराम से कैसी भी फ़ोटो वीडियोस क्लिक कर सकते हो, और बहुत अच्छा, मतलब आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हो, पीछे समंदर और इधर आइलैंड। थोड़ा सा यार हाथ कांप रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और ट्रैक करके आया हूँ मैं, और ये थोड़ा सा शेकी हो सकता है। गाइस अब हम लोग फाइनली वहाँ से उतर आए और अब चलते हैं नीचे, ये लाइट हाउस का नीचे केवे है, पर लाइट हाउस है, और अब चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुके तो फुल ऑल पैसा वसूल है, और बहुत अच्छी यहाँ पर फोटोज और वीडियोस आती हैं, तो वो बहुत एक मज़ेदार चीज़ है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसका एक टाइम लैप्स लेता हूँ उतरते हुए, जो कि बहुत ही अच्छा आने वाला है, पता नहीं मैं उतना अच्छा ले पाऊँगा कि नहीं, बट हाँ नीचे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिल है शायद, तो चलते हैं नीचे और मैं एक टाइम लैप्स लेता हूँ ऐसे गोल गोल घूमते हुए, और देखते हैं कैसा लगता है, यहाँ पर लाइट कितनी अच्छी आ रही है। पूरा उतर के दोस्तों टाइम लैप्स ले लिया है, फिर से एक ऐसे उतरते हुए का भी मैंने कहा, चलते हैं उतरते हुए, खैर इतना कुछ पता नहीं लगता है, तो आ गए, ऐसा मज़ा ही आ गया, गर्मी इतनी है बट यार ये
वन गाइज, वर्थ इट है यहाँ आना और इतना गर्मी झेलना, क्योंकि लिटरली बहुत अच्छा लगता है। चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप लोग भी आए हैं, चीज़ों को ना छेड़े प्लीज़, कुछ तोड़े फोड़े ना, साफ सफाई रखें और यहाँ का एंजॉय कीजिए। व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, बच्चे या फिर हम ही बच्चे बन जाएंगे और यहाँ पे झूले झूलेंगे। अभी देखते हैं, मैं झूला झूलूंगा, आपको दिखाता हूँ ना। और यहाँ पर बैठिए यार, मतलब एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मज़ा, सच बता रहा हूँ, यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ ऊपर बैठने में, वो तो मतलब फुल ऑन। अब बढ़िया, अभी हम जा रहे हैं गाइज वो जैपनीज बंकर्स देखने, यहाँ पर भी उन्होंने बनाया हुआ था। मैं कहूँ रास्ता ही बंद हो गया यहाँ पे, फिर इधर पता चला ये रहा बंकर। ओह माय गॉड, अंदर देखने में गाइज भूतिया सा डर लग रहा है मुझे। और क्या बैठते होंगे यहाँ पे, क्या करते होंगे वो लोग, तब तो पबजी भी नहीं था गाइज वो यहाँ पे, ना तो उन्हें रील्स देखने को मिलती थी, तो वो यहाँ बोर नहीं होते होंगे। अभी हमारा बोट वाले का कॉल आ गया तो हम लोग जा रहे हैं सुबह हम यही बोट पे, पर ना वहाँ से तो आने का, सच बता रहा हूँ, लाइट हाउस से मन ही नहीं कर रहा था तो मैं वहीं था। अभी गेट आ गया, चलते हैं। बट सच में लिटरली क्या ही नज़ारे हैं गाइस। अभी मैं हूँ रॉस आइलैंड के एक जापानीज बंकर में और ये कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसा जापानीज बंकर है और ये रॉस आइलैंड पे आ गए हम। चलिए गाइस, यहाँ पर रॉस आइलैंड हम लोग आ चुके हैं और अब हमने आते ही पहले नारियल पानी पिया क्योंकि एनर्जी ज़रूरी है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। यहाँ थोड़ा सा सुकून है वैसे, अभी थोड़ा बादल वगैरह हो रखे हैं तो इस वजह से सही लग रहा है, हवा भी चल रही है। ये आप चाहें तो इसमें आप जा सकते हैं, 80 रुपये लगता है इसका किराया, बट मैं पैदल प्रेफर कर रहा हूँ। ये है पुराना विद्युत घर, अब बिजली तो नहीं दिख रही पर जड़ें दिख रही हैं घरों की। ये पुराना विद्युत घर है, आई मीन पावर हाउस, अंग्रेजों के ज़माने का। अंग्रेज लोग यहाँ पर भी पावर बना रहे थे, क्या कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने हमारे देश में। बट अभी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है कि पेड़ों ने उसे पूरा जकड़ लिया है और पेड़ इसी में, हर जगह पेड़ हैं। और ये स्विमिंग पूल मुझे नहीं लगता अंग्रेजों के टाइम का होगा, जड़ों ने और मजबूत करके ये घर गिरने ही नहीं दिया है। अगर मुझे लगता है ये जड़ें ना होती तो शायद अब तक ये स्ट्रक्चर गिर भी गया होता, बट जड़ों ने इनको पकड़ के रखा हुआ है। उन्होंने बोला हम ये निशानी जाने नहीं देंगे और उन्होंने इसको आज तक रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर है जल शुद्धिकरण, वो लोग यहाँ पर पानी भी प्योरीफाई कर रहे थे। वाह, घंटा मगर सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम कर दिया गया है रोस आइलैंड का, पर बहुत ही अच्छा है। और वो उधर सामने जो है आइलैंड दिख नहीं रहा है, बट वो वहाँ पे नॉर्थ बे है जहाँ से हम अभी आए हैं। और बाकी चलिए, काफ़ी अच्छा है ये। अंग्रेजों ने क्या कुछ नहीं किया है, और जापानीज यहाँ पर तो जापानीज भी आया। कुछ ऐसा हुआ करता था कभी जो कि अब ऐसा है गाइस, पूरा गल गया ये। पर अंग्रेजों ने दिमाग बहुत लगाया, बहुत काम किया, इतना मोटा लोहा लाए यहाँ पर। आपको गाइस हर तरफ ये हिरन मिल जाएंगे जो कि अच्छा है। ये आइलैंड है गाइस यहाँ सलमान भाई आ नहीं पा रहे, वरना आप समझ ही सकते हैं। तो ये हर तरफ है और आप
इनको फीड मत कीजिएगा प्लीज़। अभी मैंने देखा एक बंदे ने बिस्किट का पैकेट फेंका तो ये पन्नी खा गए। पर काफ़ी फ्रेंडली हैं ये लोग, उल्टा हमसे थोड़ा सा डरते ही हैं, बट हाँ काफ़ी अच्छे हैं। यूहू है बेटे, इग्नोर मार रहा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम गाइस। इन्हें पता है ये थोड़े से क्यूट और सुंदर हैं, इस वजह से एटीट्यूड। पर ये उनका शायद मेल होगा, वहाँ पे बारह सिंघा बड़ा वाला। चलते हैं अभी आगे, अभी बहुत आगे उधर ट्रैक करते हुए जाना है हमने, क्योंकि पैदल जाने का फैसला किया है तो थकने वाले हैं। ये सबॉर्डिनेट्स क्लब है गाइस, अंग्रेजों के जमाने का, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक पुराना वाला ही है। अभी आ गए गाइस हम, ये ओल्ड जट्टी है, काइंड ऑफ पुराना लाइट हाउस टाइप का। और चलिए देखते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छी लहरें उठ रही हैं अभी। अच्छा नजारा है। पर गाइस ये एक पुराना सा चर्च भी है। कुछ इस तरीके का है। काफी पुरानी दीवारें हो चुकी हैं। और अभी गर्मी से बहुत ही बुरा हाल है। चलते हैं यहाँ से। बज गए हैं और रोज आइलैंड हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। गाइस हो गया है, रोज आइलैंड से भी निकल लिया है, जा रहे हैं।